हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट ईवीएस की वर्कशीट वीक 13 क्लास फोर्थ की। मैं यहाँ बात कर रही हूँ चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, चेतन दास हैड टू लीव हिज हाउस इन डेरा गजी खान। बच्चों चेतन दास जो था वो अपना घर क्यों छोड़ना चाह रहा था, क्योंकि बच्चों वहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस था ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हम हमारा आंसर यहाँ लिखेंगे, चेतन दास हैड टू लीव हिज हाउस इन डेरा गजी का खान बिकॉज देयर वॉज डिस्टर्बेंस अराउंड ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई अम्मा मिक्स्ड काउ डंग विद मड टू कोट द फ्लोर। बच्चों अम्मा ने काउ डंग के अंदर मड को क्यों मिलाया था, मिट्टी क्यों मिलाई थी फ्लोर को कोट करने के लिए। बिकॉज इट डज नॉट कॉज वॉर्म्स इन द सॉइल और मड, ताकि बच्चों जो कीड़े होते हैं सॉइल और मड में वो पैदा ना हो। ओके तो यहाँ लिखेंगे, अम्मा मिक्स्ड काउ डंग विद मड टू कोट द फ्लोर सो दैट इट डज नॉट कॉज worms in the soil and mud. Okay students, next question number 3 देखिए बच्चों, make a circle around the things used by Chetan Das and his family to make new house. तो देखिए बच्चों आपको बताना है कि चेतन दास और उसकी फैमिली के द्वारा कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया गया था नया घर बनाने के लिए। तो देखिए, mud, wood, iron, हस्क, सीमेंट, काउडंग एंड गनी बैग्स। तो बच्चों जिन जिन का यूज़ करा गया था मैंने सभी पे सर्किल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ सर्किल अराउंड द पर्सन हु हेल्प इन मेकिंग अ न्यू हाउस। बच्चों न्यू हाउस बनाने के लिए हमें किस किस की नीड होती है, मैसून, लेबर्स, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, मेक अ सर्किल अराउंड द थिंग्स ऑफ पास्ट विच हैव चेंज नाउ। देखिए बच्चों आपको बोला गया है कि आप सभी को क्या करना है, कि आपको सर्किल करना है कि जो चीज़ें पहले थी वो अब कैसे चेंज हो गई। कोटिंग वॉल्स विद मड, ये हमारे चेंज हो गई। जॉइंट फैमिलीज चेंज हो गई, अब सभी अलग अलग रहते हैं। यूज़ ऑफ मड चूल्हा, ये भी चेंज हो गया है, सभी गैस का यूज़ करते हैं। ओके नेक्स्ट, गोइंग टू फील्ड फॉर टॉयलेट। बच्चों आज सभी के घर में टॉयलेट्स हो गए हैं, कोई भी बाहर जाना पसंद नहीं करता है। ईटिंग फूड बाय सिटिंग ऑन मैट्स, आजकल सभी बच्चों डाइनिंग टेबल्स पे खाना खाते हैं, बाहर कोई बैठ के नीचे कोई नहीं खाता है। नेक्स्ट है, राइटिंग लेटर टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। तो बच्चों पहले के ज़माने में लेटर्स लिखे जाते थे, आज के टाइम पे क्या किया जाता है बच्चों, मैसेजेस और ये सभी जो है डिजिटल यूज़ किया जाता है। पीपल शिफ्टिंग फ्रॉम विलेज टू टाउन्स, बच्चों नहीं पहले के लोग करते थे, आज के लोग नहीं करते हैं। यूज़ ऑफ ब्रिक्स फॉर मेकिंग वॉल्स, बच्चों वॉल्स बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज़ करना। तो बच्चों जो जो हमारा यहाँ सही है मैंने सभी पे सर्किल करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। तो बच्चों डॉक्टर किसका यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप। मैसून किसका करता है बच्चों, जो हमारा घर बनाता है वो किसका यूज़ करता है, ट्रॉवल। इलेक्ट्रीशियन किसका करता है, वायर्स। फार्मर किसका करेगा बच्चों, सिकल। एंड कारपेंटर, हैंड सो।
ओके नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 7 एक्टिविटी ड्रॉ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ बिल्डिंग इन द गिवन स्पेस। तो देखिए बच्चों आप सभी को बताना है कि जो जो घर बनाने के लिए हमें यूज़ किया जाता है चीज़ें उनके यहाँ पिक्चर ड्रॉ करने हैं। तो देखिए बच्चों ब्रिक्स बैग ऑफ सीमेंट अ हीप ऑफ सैंड एंड आयरन रॉड्स। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को देखिए ब्रिक्स बनानी है सीमेंट बनानी है बैग ऑफ सीमेंट हीप ऑफ सैंड एंड आयरन रोड्स। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। बच्चों आई होप बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर शेयर करें लाइक करें शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिखकर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ बच्चों आप सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।